जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि अगर आपका टिकट वेटिंग में है तो कंफर्म होगा कि नहीं होगा, और अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया है तो आप कैसे पता करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होंगे, क्योंकि अभी पहला एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं कि क्या वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेटिंग टिकट पर यात्रा करें। अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हो और गलती से कहीं आप पकड़े गए, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया आपने कहा था, रेल यात्री वाले ने कहा था, तो हमने वेटिंग टिकट पर यात्रा कर ली। अगर आपके पास विंडो वाला यानी कि जो रिजर्वेशन खिड़की वाला टिकट है वेटिंग लिस्ट वाला, तो आप यात्रा कर पाएंगे और हो सकता है आपसे जुर्माना ना भी वसूला जाए। और अगर आपका टिकट ऑनलाइन वाला है, आपने किसी भी ऐप से, चाहे IRCTC से या किसी और ऐप से अपना टिकट बुक किया था, चार्टिंग के टाइम पे आपका टिकट वेटिंग में रह गया, तो ये कंफर्म मान लीजिए कि आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए, खैर ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। कंफर्म टिकट पर यात्रा करने का जो मज़ा है वो वेटिंग टिकट पर यात्रा करने का नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वेटिंग टिकट पर कोविड काल के पहले मैंने भी यात्रा की है 1400-1500 किलोमीटर की। बहुत प्रॉब्लम होती है रात के समय, आप दिन तो कैसे भी काट लोगे, रात में मेरे जैसा अकेला बंदा भी परेशान होने लगता है, क्योंकि कोई बैठने तक नहीं देता है, या फिर आप एडजस्ट करके नीचे सोकर आइए, तो ये सब बहुत हेडेक वाला काम होता है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। आप जितना वेटिंग टिकट ले रहे हो टिकट बुक करने के टाइम पर, उसके कितना परसेंट चांसेस हैं कंफर्म होने के। दोस्तों अगर देखा जाए तो वेटिंग टिकट कंफर्म होता है, जैसे मैं हूँ, मुझे ट्रेन चलने के 24 घंटे पहले या चार्ट बनने के 2-3 घंटे पहले ही क्लियर हो जाता है कि ट्रेन में कितनी सीट खाली है। भले ही आप 100, 200 या 50-60 वेटिंग वाला टिकट लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे जितनी सीट खाली हैं वो दिख जाती हैं। तो मैं अपने जितने भी मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, या इंस्टाग्राम पर, या फिर कुछ लोगों के पास मेरा नंबर भी है, तो उन लोगों के जब सवाल आते हैं कि भाई 28 वेटिंग दिखा रहा है या 50 वेटिंग दिखा रहा है, ये RAC में है, कंफर्म होगा कि नहीं होगा, तब मैं उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका शायद 28 RAC था, और वो कन्फ्यूज थे 2-3 दिन से कि भाई होगा कि नहीं होगा। मैंने उनको कहा था कि आपका टिकट हो जाएगा। चार्ट बनने के ठीक पहले, लगभग 4 घंटे पहले, उनका मैसेज आया था मेरे पास। उन्होंने पूछा, भाई RAC चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये कन्फर्म होगा। तब मैंने उनको ये बताया था कि मुझे 63 यानी कि 63 सीट दिख रही है आपकी ट्रेन में, और अगर इतनी सीट दिख रही है तो आपका RAC कन्फर्म हो जाएगा। अगर किसी का RAC कन्फर्म होता है तो ऑटोमेटिक वेटिंग वालों को RAC मिल जाता है, वो लोग आसानी से यात्रा कर पाते हैं। दोस्तों ये सब मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं लगभग 6-7 साल से ये सब देख रहा हूँ और इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि PNR या फिर उस स्टेटस को देखकर कि ये क्लियर हो जाता है कि ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा, 30 दिन बाद या 40 दिन बाद ट्रेन है, क्या स्टेटस रहेगा। अभी बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, कमेंट में वो सिर्फ इतना बताते हैं, भैया वेटिंग इतना है, बताइए कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, ऐसे कैसे कोई भी बता देगा वेटिंग का एक नंबर देखकर। आपको ये भी बताना पड़ेगा, आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं, AC में यात्रा कर रहे हैं, आपका टिकट कौन सी वेटिंग लिस्ट वाला है, जनरल वेटिंग लिस्ट वाला है, रिमोट वेटिंग लिस्ट वाला है, ओल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट वाला है। इस प्रकार की बहुत सारी वेटिंग लिस्ट भी होती हैं और हर स्टेशन का एक कोटा होता है। अभी अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि आपका टिकट कन्फर्म होगा नहीं होगा, तो उसके लिए आप जब तक मुझे पूरी डिटेल्स नहीं देंगे मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं कमेंट करता हूं, ये जवाब नहीं देते। उसके पीछे मेन कारण यही होता है कि आप ये नहीं बताते कि आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं कि AC में, और आपका करेंट स्टेटस क्या है, किस दिन जाना है, कुछ नहीं बताते हो आप लोग। और अगर आपको इस चीज़ का डाउट रहता है, वैसे भी YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना PNR शेयर नहीं करना चाहिए, आप Instagram पर आकर अपना PNR शेयर कर सकते हैं मुझसे, वो सेफ़ रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ऐसे भी नई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं, वहाँ पर आप आकर अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। वहाँ पर कुछ मेरे फ्रेंड्स भी रहेंगे जो आपकी मदद कर दिया करेंगे अगर मैं बिज़ी हूँ कहीं पर। फ़िलहाल दोस्तों बहुत सारे ऐप हैं जो आपको परसेंटेज बता देंगे जैसे ही आप अपना PNR डालेंगे,
लेकिन कंफर्म होने की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि वो ऐप इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उनको सिर्फ अपने ऐप के चलने से मतलब होता है कि उनका ऐप कितनी बार चला। बहुत सारे ऐप हैं, मैं किसी भी ऐप की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपना टिकट बुक नहीं करता हूँ। मुझे जिस चीज़ पर भरोसा है मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना टिकट बुक करता हूँ। खैर, आने वाले समय में कुछ व्लॉग्स आएंगे इस चीज़ को लेकर, मैं आप लोग को भी ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे पता कर लें कि आपका टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो इस वजह से अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनका टिकट कंफर्म होने वाला था, वेटिंग में था लेकिन कंफर्म होने वाला था, लेकिन उनको जानकारी नहीं है तो उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं RAC में है, टिकट कंफर्म हो जाएगा लेकिन इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, परेशान हो गए हैं, किसी ने कह दिया कि RAC कंफर्म नहीं होता है तो फिर उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। ऐसी एक घटना कुछ महीनों पहले हुई थी मेरे साथ। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि भाई RAC इतना है, टिकट कंफर्म होगा। मैंने बोला बुक कर लो, हो जाएगा, अभी आपको जाने में टाइम है। वो अपना टिकट लेकर आते हैं, उन अपने किसी जानने वाले को मोहल्ले में किसी को या कोई उनका होगा फ्रेंड, उसको दिखाए तो उसने बोला कि नहीं नहीं होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने उस जो भी जिसने भी मुझसे पूछा था, मैंने उससे कहा कि भाई अगर मुझ पर भरोसा है तो इसी टिकट को ऐसे ही रखो, नहीं होगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि नहीं होना है। लास्ट में हुआ क्या, वो टिकट कंफर्म हो गया। आखिरकार जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना तो वो गलत सलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है तो सबके साथ धोखा हो। ऐसी प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लोग इतना कॉन्फिडेंट तरीके से बताते हैं कि जिनका कुछ भला भी होने वाला होता है उनका भी नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ रहे हो कि आपका वेटिंग टिकट है, RAC टिकट है, कंफर्म होगा या नहीं होगा, तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप पूरी डिटेल अगर शेयर करेंगे, जैसे कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप, कितना स्टेटस है करंट में इस समय, और कौन से क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो और किस दिन आपकी जर्नी होनी है, अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। और ट्रेन चलने के अगर आप लगभग 24 घंटे पहले अगर पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको बहुत आसानी से आपके टिकट के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ कि आपका टिकट वेटिंग रहेगा, RAC है तो RAC रहेगा, या क्या स्टेटस रहेगा जब ट्रेन का चार्ट बनेगा, क्योंकि किसी भी ट्रेन में कितनी सीट खाली हैं वो 24 घंटे पहले ही क्लियर होना शुरू हो जाता है कि इस ट्रेन में इतनी सीट खाली हैं। जब ट्रेन का चार्ट बनने वाला होता है लगभग उससे 24 घंटे पहले ये सब इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे कि कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे आप ये पता कर लें कि आपका टिकट कंफर्म हो ही जाएगा। अगर किसी ऐप पर लिखा है 65%, 50%, 90%, 80% आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हो ही जाएगा। और मान लीजिए उस ऐप के अकॉर्डिंग आपने अपना टिकट ले लिया और आप बैठे हैं, नहीं होगा, तो ऐप में जाकर आप किससे कहोगे कि भैया मेरा नहीं हुआ, आपने 90% बोला था। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, कभी आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि बहुत से लोग इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचकर रहें। फिलहाल दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होते चला जा रहा है। अगर आपको अपने PNR से संबंधित कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, जिसमें डायरेक्ट हम लोग बातचीत कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर YouTube पर भी जानकारी चाहते हो तो जो मैंने आपको डिटेल्स कही वो सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। अगर सारी डिटेल नहीं होंगी तो मेरी तरफ से जवाब नहीं आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। Thank you so much for watching the Rail Yatri channel and keep supporting.